हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक बार फिर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े ध्यान से प्रैक्टिस करें, क्योंकि इनके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या आया था आपके एग्ज़ाम में। क्वेश्चन आया था, इफ़ 0.05 मोलर प्रोलिन निनहाइड्रिन कॉम्प्लेक्स हैज़ एन एब्जॉर्बेंस ऑफ 0.15 एट 520 नैनोमीटर इन ए 1 सेंटीमीटर क्यूबेट, इट्स मोलर एक्सटेंशन कोफिशियंट विल बी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करें। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले सोल्व कर चुके हैं, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है ये सोल्व होगा इस फॉर्मूले की हेल्प से जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर्मूला है ए इज़ इक्वल टू के सी एल। यहाँ पे ए क्या है, ए है एब्जॉर्बेंस, के है मोलर एक्सटेंशन कोफिशियंट, सी है कॉन्सनट्रेशन और एल है लेंथ ऑफ क्यूबिट। आपके क्वेश्चन में हमें एब्जॉर्बेंस दिया हुआ है, कॉन्सनट्रेशन दिया हुआ है, क्यूबिट की लेंथ दी हुई है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, के। तो यहाँ पे हम एक एक प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो दी है आपके क्वेश्चन में, 0.15 इज इक्वल टू के जो हमें फाइंड आउट करना है, सी दिया हुआ है 0.05 और लेंथ ऑफ क्यूबिट दी हुई है 1, तो के इज़ इक्वल टू 0.15 डिवाइड बाई 0.05। आप जब से सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है जैसे आपने देखा और छोटी सी कैलकुलेशन है, बट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीधे सीधे 2 नंबर हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इनको हिट करना बहुत ही आसान होता है आपके पेपर में। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।